नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऊंचा गांव से निकली भारत जोड़ो यात्रा, आखिरी पड़ाव में मिला महान दल का साथ। आज यूपी में है यात्रा का आखिरी दिन, आखिरी दिन भी उमड़ा लोगों का जन सैलाब। कैराना शामली होगा यात्रा का अंतिम पड़ाव। 6 को पानीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 6 तारीख को पानीपत से हरियाणा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। और लगातार हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है, देखिए रिपोर्ट। रवाना हो जाएगी ये यात्रा, लगातार आप पब्लिक का हुजूम देख पाएंगे कि किस तरीके से। आपको बता दें कि कंपैरेटिवली जितनी जगह से भी अभी उत्तर प्रदेश में ये यात्रा निकली है, उस रूट में कंपैरेटिवली ये रूट थोड़ा सा सकरा है, थोड़ा सा पतला है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक का जो हुजूम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी एक मुस्कान को महसूस करने के लिए तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर राहुल गांधी के साथ चलने के लिए। देखिए आज सबसे अलग क्या इस रैली में नजर आ रहा है, महान दल का झंडा, तिरंगा और तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। लोगों का हुजूम, भगदड़, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम, राहुल गांधी चलते हुए तस्वीरें बेहद खास है। देखिए राहुल गांधी वेव कर रहे हैं, राहुल गांधी वेव कर रहे हैं और राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए लोगों का इतना ज्यादा हुजूम उमड़ा हुआ है। सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई हैं और यकीन मानिए ग्राउंड जीरो पर वो हीट महसूस की जा सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कहती नजर आई कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक यात्रा है, लोगों के दिल में पहुंचने की यात्रा है, वो सफर कांग्रेस तय करती हुई नजर आ रही है। आज ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद कैराना से पानीपत में सीधे हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी ये यात्रा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महान दल का साथ आखिरी चरण में मिला है और ये यात्रा अपना रंग रूप दिखा रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे ग्राउंड जीरो से शामली।